गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज ताजी वाली नहीं आ रही है सर। ऐसा लग रहा है सब सोए सोए बोल रहे हैं, एनर्जेटिक साउंड नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Okay, so good morning everyone, and now going to start our new session of relational database management system. As we have discussed in our previous classes, are you getting my screen? No. Okay. Mm-hmm. So now it's my screen on your screen, right? Are you getting my screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So our last topic was data type, and we have studied about the data type, and there are totally five number of data, that is numeric, alphanumeric, binary, date time and other variables. Okay, and we have discussed each and every about each and every one by one. Now going to see the next topic, that is launching OpenOffice. What is OpenOffice? So जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिलेशनल डेटाबेस, इफ देयर देयर इज एनी स्टूडेंट हुज माइक इज ऑन, प्लीज आप अपना माइक ऑन ऑफ कर लें, बिकॉज ऑफ दैट की नॉइजनेस के कारण आपकी डिस्टरबेंस होती है और फिर अगले को आवाज़ पहुंच नहीं पाती है, ठीक है? सो आई थिंक किसी का माइक, नंदनी, नंदनी आपका ना फोन, ओके मैं कर देता हूँ, ओके सो दैट इज एंड ओके। अब देखते हैं कि जब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें किसी एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पैकेज हैं या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पैकेज हैं। लाइक एज आप लोग जैसे अगर आपको वर्ड पे काम करना है या फिर राइटर पे काम करना है, तो हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे एम एस वर्ड हो गया, फिर लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, या फिर कुछ लिखना है तो उसके लिए नोटपैड यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह जैसे मूवी देखनी है तो मूवी देखनी है या फिर कोई वीडियो देखनी है तो वीडियो देखने के लिए हमारे पास, जब वीडियो देखने की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। कोई VLC मीडिया प्लेयर पे देखता है, कोई विंडो मूवी मेकर पे देख, विंडो मीडिया प्लेयर पे देखता है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई पैकेज हमें लेना होता है, तो हियर इज द पैकेज ऑफ ओपन ऑफिस, ठीक है? सो यहाँ पर आप देखें, देर आर वेराइटी ऑफ DBMS और RDBMS अवेलेबल। इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न अबाउट ओपन ऑफिस बेस एंड ओपन ऑफिस ओपन सोर्स RDBMS। सो प्लीज मेक मी कन्फर्म, आर यू गेटिंग माई वॉइस? यू मे आल्सो मैसेज इन चैट बॉक्स, येस और नो। यस सर। अगर ऐसा आपको लगे कि स्क्रीन पे कोई एक्टिविटी, आपको ऐसा लगे कि स्क्रीन पे कोई एक्टिविटी हो रही है और मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर बीच में कहीं भी मेरी आवाज़ गायब हो जाती है, तो प्लीज़ स्पीक और मैसेज मी, ठीक है? सो नाउ यहाँ पर देखिए, जब बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि वी आर स्टूडेंट, और जैसा स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं जो भी हैं, तो उनमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप एक ही एप्लीकेशन पे लिए वेबसाइट पे सर्च करोगे, कहीं पे भी सर्च करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको देखते हैं सिमिलर टाइप के, तो वहाँ सबसे बड़ी बात होती है जब आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एक होते हैं पेड वर्जन। तो मोस्टली पेड वर्जन वाले आपके ऊपर दिखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो होते हैं वो ओपन सोर्स के होंगे। जैसे ओपन सोर्स जो होता है, ओपन सोर्स वाला जो एप्लीकेशन होता है, हमेशा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, और आपको जो भी एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है।
बट अगर पेड वर्जन वाला लोगे तो उसमें क्या होता है, आपको शुरू में तो कभी ट्रायल पीरियड देगा, या तो 10 दिन का ट्रायल दे दे, 30 दिन का ट्रायल दे दे, या फिर आपको अगर पैकेज दे रहा है तो उसमें लिमिटेशन के साथ देगा, सारे फीचर्स उसमें इनबिल्ट नहीं रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओपन सोर्स। आप जब भी सर्च करो ना, जब भी किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ओपन सोर्स के एप्लीकेशन को यूज़ करने की कोशिश करें, ठीक है, बिकॉज दीज एप्लीकेशंस आर वेरी जेन्युइन एंड दे विल नॉट चीट यू। जैसा इसमें बताया गया, जैसा डिस्क्रिप्शन में, वैसा ही आपको वहाँ पर एप्लीकेशन के फीचर्स दिखाई देंगे और आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सो आवर पैकेज ऑफ दैट इज लिब्रे ऑफिस पैकेज जो है आपका, ये भी ओपन सोर्स का है। अब यहाँ पर देखिए, ओके, एक चीज़ और, ये आपका ओपन सोर्स RDBMS है, ठीक है। अब इसको लॉन्च करना है, तो टू लॉन्च ओपन ऑफिस क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम ओपन ऑफिस .org 3.4.1 ओपन ऑफिस .org। अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक ऑन द ओपन ऑफिस .org, दिस इज द वर्जन शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप अवेलेबल इफ यू शुड सी ए विंडो सिमिलर टू वन ऑफ द डिस्प्ले बिलो। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें अपने सिस्टम पे विंडो ऑफिस ये ओपन ऑफिस RDBMS इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो फिर ऐसा आपको कुछ दिखेगा, ठीक है। दिस विल बी द यूज़र इंटरफेस, दिस विल बी द यूज़र इंटरफेस दैट इज अपाचे ओपन ऑफिस 3, एंड देयर आर सेवरल डॉक्यूमेंट लाइक एस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेड शीट, प्रेजेंटेशन, ड्रेमिंग, डेटाबेस एंड फॉर्मूला, एंड देयर आर सेवरल टेम्पलेट्स ऑल्सो हियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, सेलेक्ट द, तो यहाँ पर अब देखिए जो मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूँगा, और यहाँ पर पहले एक बार देख लेते हैं कि इसका थ्योरी क्या क्या बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके बुक में भी बना हुआ होगा कि आप जैसे ही वहाँ पे ओपन करेंगे ये स्टार्ट होगा, ओके। सो सेलेक्ट द ऑप्शन डेटाबेस टू लॉन्च द बेस एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको बेस एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस दिख रहा है, ठीक है, ओके। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली लॉन्च द ओपन ऑफिस बेस एप्लीकेशन बाई डूइंग द फॉलोइंग, क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम ओपन ऑफिस openoffice.org.base। ऐसा है कि ये जब बुक प्रिंट हो रही थी इन दैट एट दैट टाइम द वर्जन वॉज 3.4.1, बट नाउ अपग्रेडेड वर्जन इज डिफरेंट, सो इट मेक्स नो डिफरेंट। जब पुराने से नए पे अपग्रेड होता है, ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें अलग, इसमें जो भी एरर्स होते हैं, जो भी बग होते हैं, उसको हटा के और नए नए इसमें एड ऑन्स, नए नए फीचर्स को ऐड किए जाते हैं, ठीक है। सो हमेशा एप्लीकेशन के लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नाउ यू शुड गो, यू शुड बी गाइडेड थ्रू द डेटाबेस विजार्ड फॉर क्रिएटिंग ए डेटाबेस। यू विल सी ए डायलॉग बॉक्स सिमिलर टू द डिस्प्लेड बिलो, ओके। सो यहाँ पर देखिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या किया जाता है, नेविगेट किया जाएगा और वहाँ पे वन बाय वन आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे सो दैट यू कैन स्टार्ट योर डेटाबेस एंड यू मे क्रिएट योर डेटाबेस बाय द हेल्प ऑफ दिस अपाचे ओपन ऑफिस ओपन सोर्स RDBMS, ओके। दैट वाज द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का नाम आप लोगों को पता चल गया, और जिसके पास भी अभी तो मैं, जिनके पास फ़ोन है उसके लिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट इफ़ यू हैव द कंप्यूटर सिस्टम सो यू मे इंस्टॉल द अपाचे ओपन ऑफिस 3, दैट इज़ ओपन सोर्स एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। नाउ गोइंग टू सी हाउ दिस विल वर्क अपाचे, यू मे सी द स्क्रीन। या एक तो यहाँ पर से हम लोग जैसे ही मैंने ओपन ऑफिस के लिए यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च ओपन ऑफिस, सो यू मे सी दैट ओपन ऑफिस, ओके, हियर ओपन ऑफिस कैल्क, ओपन ऑफिस दिस ओपन ऑफिस, ओके, दिस वन इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट दिस वन। सो यू मे सी दैट ओपन ऑफिस हैज बीन स्टार्टेड and now here is the screen, you may see that the screen is very similar
as in the presenting here, this is Apache Open Office 3 and this one is Apache Open Office 4. Okay, now here you may see that text document, spreadsheet, presentation, and if you have already any saved file, you may open that. And now this is drawing, database, formula, templates, and as per our need, we are going to start the database. Okay, so there are several menu items, so I also would like to discuss about that. There is file menu, and in this file menu you have the options to new, open, recent document, wizards, where you may select the wizards like as letter, fax, agenda, presentation, web page, document converter, euro converter, address data source. Okay, and the next option is about, so now I'm going to take a screenshot and will share in your group. Okay, so this is group. Okay, this is your screen, and now and in. Okay, so that you may recall that thing again, and now, okay, this is Open Office. Okay, so this one यहाँ पर आपने विज़ार्ड देखा कौन कौन से हो सकते हैं, फिर और इसमें जो ऑप्शंस हैं एज यहाँ पर क्लोज, सेव, सेव एज, सेव ऑल डॉक्यूमेंट्स एज ईमेल, टेम्पलेट्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज, प्रिंटर सेटिंग, एग्जिट, तो इनमें से मैक्सिमम ऑप्शन के बारे में आपको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है. व्हाट इज मीन बाय क्लोज, सेव, सेव एज, सेव ऑल, इसमें बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं. एंड इन एडिट मेन्यू यू हैव द ऑप्शन टू कट, कॉपी, पेस्ट एंड व्यू. You may also view the toolbars, standard toolbar, customized toolbar. Okay, so now you may see that standard toolbar is appearing here. Okay, and macro function is very important here, and this is also reflecting here. That is macro. You may run the macro, organize macro. Okay, organize dialogues, extension manager, customize options. Different option is there. And this is for new window, and this one is your help option. Okay, this is all about the menu option appearing on the starting screen of the Open Office RDBMS. Okay, now यहाँ पर ये बातें तो हो गई आपकी, और यहाँ पर देखते हैं. Now यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें? Is there anyone who can tell me? आप चैट बॉक्स में या फिर माइक ऑन करके रिप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है? व्हाट इज़ आवर मेन मोटिव हियर? सो आर यू रिप्लाइंग? डेटाबेस, पल्लवी, ओके, गुड. एंड एनी मोर आंसर? ना तो माइक ऑन हो रहा है, ना तो यहाँ मैसेज बॉक्स में दिख रहा है. स्प्रेडशीट, किरण, ओके. और भी कुछ आंसर दे दीजिए, अच्छा लगेगा. सो मेरी आवाज तो प्रॉपरली आ रही होगी आप लोगों को? सो पुट ऑन योर माइक एंड से मी. अब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करने जाएंगे हम? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें? जैसे अभी हमने ओपन ऑफिस वर्जन 4 यहाँ पे स्टार्ट किया है, अब यहाँ पे कौन सा, किस चीज़ की ज़रूरत है हमें? पढ़ाई, अभी हम लोग किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो हमें कौन सा यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा? कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी होगी? प्रेजेंटेशन. नहीं प्रतिमा, दिस इज रॉन्ग आंसर. डेटाबेस. सो ऑफ कोर्स देयर इज द ऑप्शन फॉर डेटाबेस, एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दैट इज डेटाबेस. नाउ आफ्टर डूइंग दिस, गोइंग टू स्टार्ट इट डेटाबेस, बिकॉज वेरी सिंपल, दिस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एंड इफ यू
if you will see that this text document, spreadsheet presentation, drawing, database formula. So we have, we are going to create the database. So this is database, either it is database or relational database. ठीक है, तो पहले तो database ही बनेगा ना, फिर बाद में उसको relate करेंगे ना. So now going to create the database, select database, save and process, create a new database. If so now going to create a new database and next, and this will ask decide how to proceed after saving the database. Do you want the wizard to register the database on open office? If you are going to say select yes or no, it makes no any difference for you. आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं. After the database file has been saved, what do you want to do? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. मेरी वॉइस किसी को नहीं आ रही है? आ रही है. ओके, तो इट में आप अपना डिवाइस चेक कर लीजिए, थोड़ी हो सकता है कि आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो. तो सो यहाँ पर जब आप देखेंगे, यू हैव टू सेलेक्ट डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर इन डेटाबेस ओपन ऑफिस. सो देयर इज ऑप्शन ऑफ येस और नो, इट विल मेक नो डिफरेंट फॉर यू एज वी आर बिगनर. तो यहाँ पर आप येस और नो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. एंड जब डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाता है, जब हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, देन येस यू मे सेलेक्ट द ऑप्शन येस. ओके, after the database file has been saved, what do you want to do? Open the database for editing, create tables using the wizard. Okay, so यहाँ पर आप जो भी करना चाहें, if after the database file has been saved, what do you want to create a table using the table wizard. जैसे हम लोगों के पास क्या क्या थे, data definition language, data manipulation language, ठीक है, ये सभी language use करके अगर आपको create करना है तो it's okay, edit करना है तो भी okay. So now creating table, create, we have selected both of them. क्लिक फिनिश टू सेव द डेटाबेस, दिस इज द ऑप्शन. तो यहाँ पर सिर्फ तीन स्टेप हमने किए और हमारा ये डेटाबेस स्टार्ट हो गया. ओके, नाउ दिस इज फिनिश एंड वी आर गोइंग टू सेव इट ऑन, चलो कहीं भी किसी भी फोल्डर में इसको सेव कर लेते हैं. सो टेस्ट डेटाबेस. ओके, नाउ गोइंग टू सेव दिस एज टेस्ट डेटाबेस. आज की डेट हो गई 29th 2020. ठीक है, एक्चुअली मैं ना यहाँ पे टाइम इसलिए दे देता हूँ कि कभी भी ना मान लो कि मैंने बना दी बहुत सारी फाइल है, तो फाइल को अरेंज करने में, सिक्वेंस करने में मुझे यहाँ पे हेल्प हो पाए. ठीक है, सो आई क्रिएटेड दिस एंड नाउ दिस इज फिनिश. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपने ये डेटाबेस फिनिश कर दिया. ओके, यहाँ पे आपका ओपन ऑफिस रिक्वायर्ड से जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. ओके, अगेन दिस टेबल. ओके, सो ओके टूल्स, ठीक है भाई, टूल्स रिलेशनशिप टेबल मेक एक्सटेंस मैनेजर ऑप्शन 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 जावा यूज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. ओके, इट में कि आप लोग जब सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो थोड़ा सा ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का एक एरर आएगा. एंड यू मे आफ्टर डूइंग दिस ऑप्शन कि यहाँ पर टूल्स पे जाएं, टूल्स पे जाने के बाद ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जाने के बाद जावा को सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज दैट दैट वाज द एरर फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, यूज ए जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. तो यहाँ क्या करना है, जैसे मैंने अनचेक किया, इसको अनचेक कर देंगे एंड ओके, देन इट विल वर्क प्रॉपरली. ओके, सो दिस विल ऑल अबाउट द हमारा डेटाबेस. ये हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे. अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू वर्क हियर. सो अभी तक में सब कुछ क्लियर है, अभी तक में कोई क्वेरी है आपकी तरफ से? नो सर. यहाँ तक में कोई इशू नहीं? आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम ईच एंड एवरीवन सो दैट कैन डिसाइड कि मुझे आगे जाना है या यहाँ पे रुकना है. तो जिसको भी जैसा कंफर्टेबल लगे, कंफर्ट लगे, आप या तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज माइक ऑन करके यस नो कर सकते हैं प्लीज. सो अब आगे चलें, अभी तक में आपको कोई इशू है? अब मुझे रिप्लाई चाहिए कि अभी तक में आपको कोई इशू है, यस और नो. मेरी आवाज़ तो प्रॉपरली आ रही है ना?
हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर, यस सर। सो अभी तक में आपको कोई इशू है, यस और नो? नो सर। ओके ठीक है। एंड आप सभी से रिप्लाई चाहिए था मुझे। क्या आप लोगों के माइक ऑन नहीं हो रहे हैं या फिर मैसेज टाइप नहीं हो रहा? नो ठीक है। ओके 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 ओके। सो आई थिंक देयर इज नो इशू, एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ गोइंग टू स्टार्ट द न्यू थिंग एंड विल सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग अबाउट दैट। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर जो ऑप्शंस थे, दीज लाइंस आर सेइंग अबाउट दैट ऑप्शन कि हमें ये स्टार्ट करना है एंड आफ्टर देन टेबल क्रिएट करना है। ओके देन क्लिक फिनिश, इट्स ओके। अब यहाँ पे फाइल सेव करने की बारी थी, वो फाइल भी हमने सेव कर लिया। नाउ गोइंग टू सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट, दैट इज क्लिक ऑन क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, ऑप्शन अवेलेबल अंडर टास्क एंड टेबल डिज़ाइन विंडो अपीयर्स एट सोन बिलो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पे, ठीक है, वहाँ इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। क्लिक ऑन क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। सो हियर इज द ऑप्शन, हियर इज द ऑप्शन दैट इज टेबल। सर करीना ने चैट बॉक्स में यस सर लिखा था, उसे समझ नहीं आया। करीना ने चैट बॉक्स में यस सर लिखा हुआ था। किरण है ये शायद, किरण विष्ट लिखा हुआ है। ओके सो व्हाट्स द प्रॉब्लम यू हैव, आइदर यू आर किरण और करीना? सर वो करीना ही है, उसकी दीदी का नाम किरण है। ओके सो करीना आप बताइए क्या इशू है आपको। करीना आर यू गेटिंग माय वॉइस? यहाँ पे है करीना? किरण बिस्ट आपकी माइक ऑफ है किरण। करीना वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। सर वॉइस के लिए बोला था वो, आपके वॉइस आ रही। ओके ओके अच्छा, मतलब क्वेश्चन वो मैसअप हो गया ना, एक दूसरे के साथ मिल गया, आंसर कुछ और आया। चलो ठीक है, सो थैंक्स फॉर गिविंग मी नोटिस दैट। चल ठीक है, ओके सो यहाँ पर क्या करते हैं। ओके हाँ देन टेबल हमें क्रिएट करना है। ओके द कनेक्शन टू द डेटा सोर्स इज नॉट कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, द कनेक्शन टू द एक्सटर्नल डेटा सोर्स कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ओके देखते हैं, फाइल न्यू स्प्रेडशीट अगर लेते हैं, नहीं सॉरी डेटाबेस, तो अगेन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एंड व्हाट वाज द ऑप्शन, दैट इज क्लिक एट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। ओके इट इज देयर डिज़ाइन व्यू, व्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट टूल बार स्टैंडर्ड टूल रिलेशनशिप। ओके ठीक है, क्वेरीज। सो यहाँ पे आप देखें टेबल को, यहाँ पर क्वेरीज को किया क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। ओके दैट वाज द थिंग कि हमें क्रिएट करना, क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। ओके सो आई एम अगेन गोइंग टू टेक ए स्क्रीनशॉट। Now we'll see. Okay, what is saying? Okay, हमें क्या करना है? So, create a table in design view. Create a table view option available under task and table design view window. Okay, 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 okay. We have to create it. Okay. So, चलो यहाँ देखते हैं. Table create होने में तो problem होती. Create query in design view. अब create query करते हैं. टेबल में इस ठीक है, क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। आई थिंक
सम इशू इज देयर इन इंटीग्रेशन, इसके कुछ प्रॉब्लम हुई है, सो दिस इज नॉट सपोर्टिंग फॉर्म्स. ओके This is not working. देखते हैं इसको एक बार रिस्टार्ट करके, हो सकता है कोई इशू हो. तो एक तो हमने पहले उस तरीके से इसको स्टार्ट किया था, अब नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर हम यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं. दैट इज़ यहाँ पे एक शॉर्टकट बना हुआ होगा फॉर द ओपन ऑफिस. ठीक है, दिस इज़ ओपन ऑफिस 4.1.7. ओके, ओ डेटाबेस एंड ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, देखते हैं. कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस GDBC. नेक्स्ट ठीक है, GDBC डेवलपर तो नहीं है यहाँ पे. ठीक है, सो फॉर द एट न्यू टाइम थोड़ा सा ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. एंड नेक्स्ट सी देखते हैं, न्यू डेटाबेस 1, इट मे क्रिएट टेबल. ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू. जैसा कि देखें आप लोगों ने क्या किया था, एक एरर आ रहा था मेरे पास, दैट एरर वाज अबाउट रजिस्टर. जब यहाँ पे मैंने वहाँ पे जो एक स्क्रीन आया था जहाँ पे डेटाबेस को रजिस्टर करना था येस और नो, वहाँ पे मैंने नो सेलेक्ट किया था. दैट्स वाई दैट प्रॉब्लम हैज़ बीन अकर्ड एंड टेकन प्लेसेज. एंड नाउ यू मे सी हियर क्लियरली, यहाँ पे जैसे स्टार्ट किया दैन टेबल, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू. सो ओके, सो दिस इज क्रिएट टेबल फील्ड नेम. अब आप लोग में मुझे कोई बताएंगे कि मान लो एक डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं. ओके, डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट. ठीक है, स्टूडेंट का डेटाबेस है, तो फील्ड नेम क्या क्या रख सकते हैं? फील्ड नेम स्टूडेंट का क्या क्या रख सकते हैं बताइए. जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए बताऊं, याद करो वो जब हमने फील्ड नेम बताया था, फील्ड नेम में अब सबसे पहला मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट आईडी. ठीक है, ले सकते हैं स्टूडेंट आईडी. नाउ यू मे सी दैट मैंने कुछ भी नहीं किया, बट दिस इज सेइंग टेक्स्ट और वेयर कर, यहाँ पे टाइप बताया रहा जा रहा है आपका, टेक्स्ट लेना है वेयर कर लेना है. बट स्टूडेंट आईडी आपका क्या रहेगा? स्टूडेंट आईडी कौन सा टाइप रहेगा इसका? स्टूडेंट आईडी क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा, बुलियन रहेगा? देखिए यहाँ पे है ना, बुलियन, मेमो, डेसिमल, डेसिमल, इंटीजर, डबल, डबल, टेक्स्ट, डेट, टाइम स्टैम्प, इसमें से कौन सा कैटेगरी लेना है मुझे बताइए. सर इंटीजर. सर So now going to take a screenshot and also will share in your group so that you may recall that thing कि हमारे पास ये सारे options available है and we have to select the option any one of them. Okay, so यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने लिया आप लोगों के अकॉर्डिंग इंटीजर. ओके, दैट इज एंड डिस्क्रिप्शन में अगर आपको यहाँ पर कुछ लिखना है दैट इज ऑप्शनल, और इट मे यू मे राइट हियर दैट इज एंटर your 11 digit student ID, right? Okay. Now दूसरा फील्ड का नाम बताएंगे कोई. इसको जब भी एडिट करना हो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं. Now going for the next one. Okay. तो दूसरा कोई बताएंगे मुझे, दूसरा फील्ड का नाम बताइए आप लोग. क्लास. तो क्लास का टाइप आपका क्या रहेगा? क्लास का टाइप सेलेक्ट कीजिए. बुलियन से यस और नो, पूरी क्लास बुलियन सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें. क्लास में, क्लास में बुलियन सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. डेसिमल सेलेक्ट कर सकते हैं. क्लास आपकी क्या होगी? क्लास कौन सी होगी? क्लास आई मीन क्लास आपकी केजी से लेकर के 12 तक होगी, यही होगी ना?
1, 2, 3, 4 यही होगी ना क्लासेस। ओके तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, डेसिमल में ले सकते हैं क्या, इंटीजर में लेंगे? अगर क्लासेस आपने, ठीक है, अगर क्लासेस आपने रोमन फॉर्म में या न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना चाहा तो वहाँ पे इंटीजर आप ले सकते हैं, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप ये लेना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। क्लास 1, 2, 3, 4 अगर आप लिखते हैं टेक्स्ट में तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, दिस इज न्यूमरिक, दिस इज इंटीजर एंड दिस इज डबल, डबल बूलियन। तो यहाँ पे जल्दी बताइए आप लोग कोई क्या कर सकते हैं टेक्स्ट। सर अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक ले सकते हैं, गुड। तो इज देयर ऑप्शन फॉर अल्फा न्यूमरिक, दैट इज फील्ड मेमो लॉन्ग वर्कर डेसिमल न्यूमरिक इंटीजर डबल डबल वर्कर। तो टेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, या तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ले सकते हैं या इंटीजर ले सकते हैं। तो चलिए टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अल्फा न्यूमरिक का ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ओके देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, ओके ओके वन थिंग इज देयर, सॉरी मिस कर गया था मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा। ओके सो यहाँ पे देखिए, क्लास में जैसे डेटा टाइप हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, डेटा टाइप सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि लेंथ कितनी है, जो आप लोगों को एक लेंथ की बात हुई थी ना, लेंथ की बात होती है ना, कि जैसे हमने ये लिया स्टूडेंट आईडी में लिया, अब यहाँ पे लेंथ क्या है 10 है, बट हमें कितनी ज़रूरत होगी, हमें कितनी ज़रूरत होगी, 11 डिजिट चाहिए ना, 11 डिजिट चाहिए ना, यस और नो? यस सर। सो द दिस इज सेइंग कितना लेंथ चाहिए आपको, दिस इज इसको हम लेंथ अगर लेते हैं तो इंटीजर में आपका नहीं लेगा, बिकॉज दिस इज फॉर, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डबल लेना पड़ेगा, ठीक है, लेंथ डबल डबल, ओके लॉन्ग वेयर कर, ओके लेंथ इतनी होगी लॉन्ग वेयर कर की, डेसिमल न्यूमरिक इंटीजर, इंटीजर की आपकी 10 थी, ठीक है, ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या इशू आता है। पहले हम ना इसको एज इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, तो 10 आ गया, एंड नाउ यू मे सी हियर, यहाँ पे आपको जो डिटरमाइन द लेंथ डेटा कैन बी हैव इन द फील्ड इफ डेसिमल फील्ड्स देन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नंबर टू बी एंटर्ड इफ बाइनरी फील्ड देन द लेंथ ऑफ द डेटा ब्लॉक द वैल्यू विल बी करेक्टेड अकॉर्डिंगली व्हेन इट एक्सीड द मैक्सिमम फॉर दिस डेटाबेस। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत क्या थी, हम इसको करते कि यहाँ पे हमें 11 होना चाहिए था, लेंथ 11 होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक चीज़ हमारे पास इशू आ गई, अब लेंथ के बारे में, जैसे आप लोग कभी फील्ड पे लिखने जाते हो ना, वहाँ पे हो सकता है लिखा हुआ होगा इंटरव्यू रोल नंबर, इंटरव्यू स्टूडेंट आईडी, तो वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं दैट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वहाँ पे क्या लिखा होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, या यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इंटर योर स्टूडेंट आईडी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, न्यूमेरिक टाइप है तो इट मे रिफ्लेक्ट एनी एरर फॉर दैट, फॉर एग्जाम्पल, सो हियर इज द एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर देखिए, यहाँ पे आपके इस तरह से एग्जाम्पल दिए होंगे, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, करेंसी चाहिए, डेट टाइम जो भी है। अभी हमने नॉर्मल सा क्या लिया हुआ है, दैट इज़ अ न्यूमरिक वैल्यू, तो इसकी ज़रूरत है नहीं, अगर ज़रूरत होगी तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके एंड कैंसिल। तो यहाँ पर हमने दो फील्ड क्रिएट कर दिए, और यहाँ पर इसी तरह आप यहाँ पर मैसेज कुछ भी डाल सकते हो, लाइक एज इंटरव्यू क्लास इंटरव्यू, यहाँ पर भी कर सकते हैं इंटरव्यू, सॉरी क्लास एंड अब छोटा सा देखते हैं, रोल नंबर भी ले लेते हैं, नहीं सेक्शन भी चाहिए ना। सो अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो कि मैं जब
मान लो कि जब मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर पहले लिख दिया, मुझे यहाँ पे सेक्शन चाहिए, इसको क्या करेंगे यहाँ से मूव करके नीचे लेते आएंगे, यहाँ से इसको कट करो और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन बच गया तो यहाँ कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन में आपका डेटा टाइप क्या आ जाएगा, दिस इज डबल डबल टैक्स वर्कर, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैसेज जो भी आपको चाहिए वो लिख सकते हो। नाउ गोइंग टू सी दिस इज आवर टेबल, नाउ सेव कर लेते हैं, ठीक है। इससे आगे कॉन्टेक्ट नंबर एक डाल देते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर आपका फिर ये डबल में आ जाएगा, दैट इज डबल डबल एंड वर्कर लॉन्ग वर्कर, ओके मेमोर, ओके लॉन्ग वर्कर कॉन्टेक्ट नंबर, सो दिस इज आवर फाइल, नाउ गोइंग टू सेव इट, ओके। दिस इज डेटाबेस का नाम रख देंगे स्टूडेंट, ओके ओके। अब यहाँ पर आप देखें व्यू टूल बार्स कस्टमाइज फाइल, ओके सो हमारा ये फाइल सेव हो गया यहाँ पे, न्यू डेटाबेस डेटाबेस व्यू, ठीक है, क्लोज एडिट व्यू टूल्स मैक्रोस विंडो क्लोज विंडो न्यू डेटाबेस। सो आपका एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया, आप देख रहे हैं एक डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट आईडी क्लास सेक्शन रोल नंबर एंड कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब अगर हम इसका और भी फील्ड लेते आएंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप लोगों के मन में ये हो रहा हो कि ये तो एक ही रो बना है ना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, यस सर। तो अब एक ही रो बना आप लोगों के मन में ये हो रहा होगा, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, पहले 11 डिजिट का स्टूडेंट आईडी डालते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 11 हो गया आपका, 11 डिजिट का स्टूडेंट आईडी आ गया, ठीक है। एंड देन क्लास, यहाँ पे क्लास हमने सेलेक्ट किया है, क्लास लाइक एज क्लास ए बी, ओके ये एक्सेप्टेड है, एंड क्लास मान लो क्लास 10 कर देते हैं, एंड द सेक्शन इज सेक्शन ए और ई जो भी है, रोल नंबर इज 01 एंड कॉन्टेक्ट इज कॉन्टेक्ट नंबर, मान लो मैं अपना ही डाल देता हूँ, ठीक है, ओके नाउ अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने एक फिल किया तो यहाँ पे आ गया ना, इसी तरह जैसे ये वाला फिल करेंगे 1 2 3 तो यहाँ पे फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर करेंगे ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए एरर क्या आया, हमने जो यहाँ पे हमने जो लिया था, यहाँ देखिए कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि ये 10 डिजिट में अगर रहेगा तो ठीक रहेगा, 10 डिजिट में अगर रहेगा तो ठीक रहेगा ये, और बिकॉज ऑफ दैट ये 10 डिजिट में ना होके 1 2 3 4 5 6 7 ओके 6 7 8 तो यहाँ तक तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है यहाँ तक ठीक है, अगर ज़ीरो के साथ ले लें तो भी 10 है, 10 तक ठीक है, लेकिन जैसे ये 11 होगा तो यहाँ पे एरर शो करने लगेगा, चलो अभी तो ठीक है एरर शो नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी डाल दिया हमने, और ये वन बाय वन क्या होते जाएगा, जैसे मान लो कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, नाउ फर्स्ट नेक्स्ट डेटाबेस हमारा स्टार्ट, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं इस तरह आपका टेबल बनते जा रहा है ना, ठीक है, सॉरी आर यू गेटिंग दिस। अब यहाँ पे आप क्लास लिख दो, क्लास 11 12 जो भी है, कॉन्टेक्ट नंबर वट एवर इज देयर, तो यहाँ पे आप लिखते जाएंगे, आप लोग देख रहे हो कैसे क्रिएट हो रहा है, सो आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। आई थिंक अभी दूसरी क्लास है तो कुछ बच्चे यहाँ से चले गए हैं, तो इट्स ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या है, इस तरह से यहाँ पे क्रिएट होता जाएगा डेटाबेस, आगे बढ़ते जाएगा,
फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम ना इसके बारे में और भी जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो प्लीज़ डोंट योर नेक्स्ट क्लास एंड गो फॉर दैट. हियर इज़ द ऑप्शन फॉर सेवरल थिंग लाइक ए सर्च, रिफ्रेश, सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, फिल्टर, ये सभी ऑप्शन है. तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम जिक्र करेंगे, इसके बारे में देखेंगे, और इस तरह से डेटाबेस हमारा क्रिएट होता जाएगा और हम इसको देखेंगे. ठीक है, सो आई थिंक यस. अपर्णा बताइए, अपर्णा एनी इशू यू हैव? सो नाउ गोइंग टू स्टॉप दिस क्लास फॉर टुडे. और आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे. ठीक है, इज दैट ओके? चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मिलते हैं. ओके, थैंक यू.